स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया तो देखो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया तो जैसे कि हम बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बेसिकली बताइए तो रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ए सेक्शुअल रिपोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल जो कि सिंगल पेरेंट से होता है यूनिपेरेंटल होता है जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए ठीक है तो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में बेसिकली हमें तीन मेथड देखने को मिलते हैं जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन कौन से हैं? एक तो है बर्डिंग दूसरा मेथड है फीजन फीजन इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के केस में और तीसरा मेथड है बेटा एंडोस्पोर की फॉर्मेशन अब एक चीज ध्यान रखना फीजन से जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं तो इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस कैसे कंडीशंस में अनफेवरेबल कंडीशंस में ये मोस्ट कॉमन मेथड है ये चीज आप ध्यान रखना सॉरी अंडर फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल नहीं बेटा फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में सबसे कॉमन मैथड कौन सा होता है फीजन एनसीआरटी भी बता रही है कि बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं बेटा फीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो यहां पर भी हम कह रहे हैं कि अंडर फेवरेबल कंडीशन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिपोडक्शन कौन सा होता है बेटा फीजन होता है सेकेंड आते हैं एंडोस्पोर तो एंडोस्पोर या हम ये कहते हैं स्पोर कोई भी ऑर्गेनिज्म कब बनाता है जब कंडीशन कैसी हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं कैसी कंडीशन हो जाती है अनफेवरेबल ये सी ध्यान रखना कोई भी इंडिविजुअल स्पोर की फॉर्मेशन कब करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं पेरिनेशन स्ट्रक्चर है ये जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव रखती है ठीक है जबकि फीजन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया में अंडर फेवरेबल कंडीशन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो डिटेल के अकॉर्डिंग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एबसेंट है क्यों है एबसेंट क्योंकि ना तो इनके अंदर सिंगी होता है सिन्ग्यामी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो इनके केस में होता ही नहीं है क्यों नहीं होता है उसका कारण है क्योंकि प्रो में स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन नहीं होती और जब तक स्पिंडल अपरेटस नहीं बनेगा तब तक ना तो माइटोसिस हो सकता है और ना ही मियोसिस हो सकता है अब अगर माइटोसिस एंड मियोसिस नहीं होंगे तो गैमिट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी किसकी फॉर्मेशन नहीं होगी गैमिट की फॉर्मेशन नहीं होगी और गैमिट फ्यूज ही नहीं होंगे बनेंगे ही नहीं तो उनका फ्यूजन भी नहीं होगा तो इसलिए इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन एबसेंट होते हैं एनसीआरटी की लाइन और हम देख देख सकते हैं दे सम शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल प्रोडक्शन एनसीआर टी क्या है सम शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर अप्रिमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अन ये आपकी एनसीआरटी कह रही है यह क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है अब ये प्रिमेटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर क्या होता है इसमें तीन मेथड हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ये तो आपका ट्वेल्थ में भी आता है ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन ये तीन मेथड हम इनके अंदर जो डीएनए ट्रांसफर होता है प्रिमेटिव टाइप का उसके अंदर हम पढ़ेंगे यहां पर मैं एक डिफरेंस आपको बता देती हूँ बेटा अगर कोई भी जीन ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में किसमें सेक्शुअल प्रोडक्शन जब होती है ना तो पेरेंट के करेक्टर किसमें इनहेरिट होते हैं प्रोजेनी में लेकिन इस ट्रांसफर को तो हम कहते हैं बेटा वर्टिकल ट्रांसफर कैसा ट्रांसफर है वर्टिकल वर्टिकल मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन जैसे कंजुगेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनमें क्या होता है एक बैक्टीरियल सेल और दूसरी बैक्टीरियल सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो यहां पे पेरेंट प्रोजेनी का रिलेशनशिप नहीं होता है ये होता है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर कैसा होता है हॉरिजेंटल हॉरीजेंटल में पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता है दो बैक्टीरियल सेल के बीच में ट्रांसफर होता है खास करके हम कंजुगेशन की बात करें तो वो कैसा ट्रांसफर होता है बेटा हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें भी दो बैक्टीरियल सेल के बीच में आपका ट्रांसफर होता है तो वो भी मतलब बैक्टीरिया और वायरस के बीच में ट्रांसफर होता है ठीक है तो ये चीज आप ध्यान देना कि ये जो चेंज आता है दो बैक्टीरियल सेल में तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन या कंजुगेशन या वायरस और बैक्टीरिया के बीच में तो हम कहते हैं ट्रांसडक्शन वो हम आगे स्टडी करेंगे ठीक है तो वो होता है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर लेकिन अगर पेरेंट से प्रोसेनी में कोई चीज ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर तो ये चीज आप ध्यान रखना इसी को हम एक एक करके लेते हैं सबसे पहले आता है बडिंग मैथड अब बडिंग क्या होता है इसमें ध्यान से देखो जैसे एक हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल सेल है अब बैक्टीरियल सेल से सबसे पहले एक प्रोट्यूबरेंस निकलती है प्रोट्यूबरेंस मतलब आउटग्रोथ निकलती है जैसे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली फिर क्या होता है जैसे इस बैक्टीरियल सेल का एक न्यूक्लियस है तो क्या होगा इसका न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में टूटेगा ब्रेकडाउन होगा और फिर एक न्यूक्लियाई तो इसी सेल में रहेगा और एक न्यूक्लियाई इस आउटग्रोथ में चला जाएगा दैट मीन्स कैसे कंडीशन आ गई इस तरीके की कंडीशन आ गई एक न्यूक्लियर है आपका बैक्टीरियल सेल में और एक न्यूक्लिया आपका किस में चला गया है आउट ग्रोथ में चला गया है ठीक है फिर क्या होता है ये आउट ग्रोथ जो है ये अपने साइज को बढ़ाती है किसको बढ़ाती है साइज को बढ़ाती है और साथ में कॉन्स्ट्रक्ट भी करती है यहां से कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है तो इससे क्या होगा ये धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाएगी और पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग हो जाएगी तो ये जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का इसको हम कहते हैं बडिंग क्या कहते हैं बडिंग कहते हैं अब क्वेश्चन आता है, बडिंग आपको कौन कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी तो एक तो बैक्टीरिया है बाईफी बैक्टीरियम बाईफी बैक्टीरियम और दूसरा बैक्टीरिया है रोडोमाइक्रोबियम। दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है रोडोमाइक्रोबियम एक है बाइफेडी बैक्टीरियम और दूसरा क्या है रोडोमाइक्रोबियम ये जो बैक्टीरिया है ये बडिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब आता है इसका मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज फीजन ठीक है तो फीजन में हम पहले ही बता चुके हैं कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बैक्टीरिया मेनली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं फीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है, है. अब इसमें फीजन में एक से ध्यान रखना फीजन का मतलब होता है बॉडी का स्प्लिट होना एक दो पार्ट में स्प्लिट होती है तो कहते हैं बाइनरी फीजन दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट हो जाए तो हम कहते हैं मल्टीपल फीजन तो इनमें मेनली बाइनरी फीजन हमें देखने को मिलता है बाइनरी फीजन फेवरेबल कंडीशन में मिलनी होता है ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखना अब क्योंकि इसको स्प्लिट होने में एक से दो सेल टूटेंगी तो माइटोसिस और मियोसिस तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए तो स्पिंडल अपरेटस चाहिए। तो इनमें ये जो फीजन हो रहा है ये किसके थ्रू होगा एमाइटोसिस के थ्रू किसके थ्रू एमाइटोसिस एमाइटोसिस का मतलब क्या है बैक्टीरियल सेल है ठीक है उसके अंदर एक न्यूक्लियाई है सिंपली इसका रफली इसका न्यूक्लिया जो है वो दो पार्ट में टूटता है और जैसे ही वो दो पार्ट में टूट जाएगा उसके बाद सेल भी रफली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में एमाइटोसिस होती है इक्वल हाफ में डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिवाइड होता है चीज आप ध्यान रखना ठीक है और जो ये बाइनरी फीजन का जो मेथड होता है इट इज वेरी रैपिड इन बैक्टीरिया बहुत रैपिड होता है और एक बैक्टीरियल सेल हर 20 से 30 मिनट्स में डिवाइड करती है हर 20 से 30 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है मतलब एक से दो बनगी अगली 20 मिनट में दो से चार बन जाएंगी अगली 20 मिनट में चार से आठ बन जाएंगी ठीक है तो बाइनरी फीजन हो रहा है तो एक से दो बनेंगी तो ये मैथड बहुत फास्ट होता है हर 20 मिनट्स में ये रिप्रोड्यूस कर जाती है तो हर ट्वेंटी से थर्टी मिनट में ये मल्टीप्लाई करती रहती है अब हम स्टडी करेंगे इसका डिटेल मैथड कि प्रोसेस ऑफ बाइनरी फीजन क्या है कैसे कैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है तो कैसे वो डिवाइड होती है तो इसको हम बेसिकली तीन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहले रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कोई भी बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए कंटेंट को बढ़ाएगी किसको बढ़ाएगी बेटा डीएनए कंटेंट को रेप्लीकेट करेगी डुप्लीकेट करेगी तो ये जैसे इसके पास एक न्यूक्लियर था तो डीएनए कंटेंट बढ़ेगा तो एंड में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास एक की बजाय दो न्यूक्लियर्ड हमारे पास बन जाएंगे क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो गया तो एक की बजाय कितने न्यूक्लियर्ड बन जाएंगे दो न्यूक्लियर्ड हमारे पास बन जाएंगे जैसे ही दो न्यूक्लियड बन जाते हैं तो फिर डिविजन होता है मीजोसोम में मिजोसोम हमने क्या बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं और वहां पर हमने कहा था कि अगर ये न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाए तो ये सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करती है सेप्टा फॉर्मेशन में हेल्प करती है तो जैसे ही न्यूक्लियोड डिवाइड हो जाता है उसके बाद क्या होता है बेटा ये मीजोसोम एक वाई शेप फोर्क बना लेता है ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इसके एक एंड से एक न्यूक्लियोइड अटैच हो जाता है और दूसरे एंड से दूसरा न्यूक्लियोइड अटैच हो जाता है और जब ये दोनों न्यूक्लियोइड अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये मीजोसोम भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है एक पार्ट एक न्यूक्लियोइड से अटैच रहता है और दूसरा पार्ट दूसरे न्यूक्लियोड से अटैच जाता है तो सबसे पहले न्यूक्लियोड का डिवीजन हुआ फिर क्या हुआ मीजोसोम ने वाई शेप स्ट्रक्चर बनाई और उसके दोनों एंड से दो न्यूक्लियोड अटैच हो गए उसके बाद मीजोसोम भी स्प्लिट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है बेटा मीजोसोम के बीच में मैमब्रेन की सिंथेसिस हो जाएगी किसकी सिंथेसिस होगी मैमब्रेन लेकिन ये मैमब्रेन की सिंथेसिस कैसे होगी ये मैं आपको बता देती हूं मैम्रेन सिंथेसिस होगी सेंट्रिपिटली सेंट्रीपिटली का मतलब होता है फ्रॉम पैरिफेरी पेरीफेरी से उसका डिवीजन शुरू होगा टूआर्ड सेंटर याम यू कहते हैं फ्रॉम सरफेस टू सेंटर कैसे ध्यान से देखो ये आपकी बैक्टीरियल सेल है तो ये इस तरीके से इन्वेजिनेट कर जाए किसके बीच में दो मीजोसोम्स के बीच में और ये इन्वेजिनेशन कहां से शुरू हो रहा है पैरी फेरी से शुरू होकर के सेंटर की तरफ जाएगा और जब ये दोनों बिल्कुल टच हो जाएंगे तो एक से कितनी सेल्स बन जाएंगी हमारी दो सेल्स बन जाएंगी तो ये था बाइनरी फीजन इन बैक्टीरिया अब आता है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ ध्यान से देखना प्रोसेस ऑफ बाइनरी फीजन हम थ्री स्टेप्स में डिवाइड करते हैं पहला स्टेप है रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए कि डीएनए अपने कंटेंट को डबल करता है तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोइड भी क्या हो जाता है डुप्लीकेट क्या हो जाता है डुप्लीकेट हो जाता तो सबसे पहले स्टेप में तो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए हुआ एक से आपके दो न्यूक्लियोइड बन गए उसके बाद मीजोसोम ने डिवीजन करना शुरू किया कैसे पहले तो इसने वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना ली और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर भी कैसे बेटा इसके दो फॉर्क से क्या अटैच हो गया एक से एक न्यूक्लियर और दूसरे से दूसरा न्यूक्लियर उसके बाद मीजोसोम भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और मीजोसोम की स्प्लिटिंग के बाद मेम्ब्रेन सिंथेसिस शुरू हुआ दो मीजोसोम के बीच में मेम्ब्रेन का बनना शुरू हो जाएगा और वो भी कैसे सेंटर पैरीफे से शुरू होकर के सेंटर की तरफ इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा तो इसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल डिविजन ठीक है अब बेटा बाइनरी फीजन से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलाज में आपको डिस्कस करेंगे तो वो फॉर्मूलाज क्या क्या है सबसे पहला फॉर्मूला इधर देख लो जनरेशन टाइम जनरेशन टाइम क्या होता है बेटा कोई भी बैक्टीरियल सेल कोई भी बैक्टीरियल सेल कितना टाइम लेती है डिवाइड होने के लिए जैसे हमने कहा कि कोई भी बैक्टीरियल सेल जनरे ट्वेंटी से थर्टी मिनट में डिवाइड हो जाती है बहुत फास्ट तो ये क्या है इसका जनरेशन टाइम है कोई भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड होने के लिए जितना टाइम लेती है वो क्या कहलाता है उसका जनरेशन टाइम अब जनरेशन टाइम निकाला कैसे जाता है इसका फॉर्मूला है Z हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेशन टाइम को इज इक्वल टू टी अपॉन एन टी क्या है टाइम इन मिनट और आर टाइम लेना है मिनट में या आर में और एन क्या है बेटा नंबर ऑफ जनरेशंस अगर ये टाइम मिनट में लोगे तो जनरेशन टाइम भी मिनट में आएगा इसको आर्स में लोगे तो जनरेशन टाइम भी किस में आएगा आर्स में ये चीज आप ध्यान रखना तो एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया z इज इक्वल टू टी अपॉन एन फॉर्मूला ध्यान देना अब दूसरा फॉर्मूला आता है फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉर्मूला के ऊपर बेस में आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगी अभी ध्यान से देखना हमें बैक्टीरिया का नंबर काउंट करना है लेकिन कब दो सिचुएशन हमारे सामने है पहली सिचुएशन क्या है इफ फीजन स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए फीजन स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल अगर फीजन किससे स्टार्ट हो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है एक ही बैक्टीरियल सेल फीजन स्टार्ट करिए तो उसके केस में तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ डिवीजन। अगर आपको निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा टू की पार एन और यहां पे एन क्या होता है नंबर ऑफ जनरेशन तो कैसे होगा बेटा अगर हम एक बैक्टीरियल सेल से स्टार्ट करें बाइनरी फीजन हो है, तो एक से कितनी बनेगी दो दो से कितनी बनेगी चार चार से कितनी बनेगी आठ और ऐसे करते करते आपकी एन तक आ जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना, अगर वन कब आएगा जब हम टू की पार जीरो कर देते हैं ठीक है कि बैक्टीरिया सर डिवाइड ही नहीं कर रही है तो टू की पार जीरो एक जनरेशन जब उसने की तो टू की पार वन दो जनरेशन की तो टू की पार टू तीन जनरेशन की तो टू की पार थ्री ऐसे हम निकालते जाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया टू की पार एन और एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ जनरेशन उसने डिवीजन के कितने राउंड ले लिए एक राउंड तो एक जनरेशन किया है दो राउंड तो दो जनरेशन कर लिया है तो एक तो ये फॉर्मूला होता है अगर आप फीजन स्टार्ट कर रहे हो एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से और दूसरा है ए फीजन स्टार्टिंग फ्रॉम ए फीजन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ सेल्स अगर फीजन स्टार्ट हो किसे एक पॉपुलेशन ऑफ सेल से मतलब एक सेल से शुरुआत नहीं हो रही है पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन से शुरुआत हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी एन टू टू की पार एन क्या होता है बेटा स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी एन टू टू की पार एन यहां पे स्मॉल बी क्या है ध्यान से देखना नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट द एंड एंड में कितनी पॉपुलेशन आएगी डिवीजन के बाद और कैपिटल बी क्या है नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन द बिगिनिंग कहां पे बिगनिंग से कितनी बैक्टीरियल पॉपुलेशन आपकी आ रही है वो आपका आएगा और एन यहां पे क्या है बेटा नंबर ऑफ जनरेशन कि कितनी जनरेशन ये तो इनिशियल पॉपुलेशन है ये कितनी जनरेशन उसने डिवीजन की की और ये आता है फाइनल पॉपुलेशन तो फाइनल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे बी एन टू टू की पार एन ये फॉर्मूला पहले करा रही हूं फिर इसके ऊपर अगला एक फॉर्मूला आता है बैक्टीरिया में पूछ लेते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया फीजन कर रहा है तो वो हाफ कप कितने टाइम में फिल करेगा या वो फुल कप कितने टाइम में फिल करेगा तो फॉर फिलिंग हाफ कप एंड फॉर फिलिंग फुल नहीं बेटा वन फोर्थ कप फॉर फिलिंग वन फोर्थ कप एक चौथाई हिस्सा कप का फिल करना हो बैक्टीरिया को तो वो कितने टाइम में फिल करेगा तो हाफ कप के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी कैपिटल टी होता है बेटा टोटल टाइम जितना आपको टोटल टाइम दिया है और स्मॉल टी होता है टाइम ऑफ डिवीजन कि वो कितने टाइम में डिवाइड कर रहे हैं या फिर इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम भी बोल देते हैं क्योंकि जनरेशन टाइम भी क्या होता है कोई भी बैक्टीरियल सेल जितने टाइम में डिवाइड कर रही है वो क्या कहलाता है उसका जनरेशन टाइम भी कहलाता है लेकिन फॉर फिलिंग वन फोर्थ कप ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा कैपिटल टी माइनस टू स्मॉल टी कैपिटल टी वही है टोटल टाइम और स्मॉल टी क्या है टाइम ऑफ डिवीजन या जनरेशन टाइम लेकिन इसमें हम लिखते हैं बेटा माइनस टू टी और इसमें क्या लिखते हैं माइनस टी ये ध्यान रखना ये आपके पांच फॉर्मूला मैंने कराए एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ जनरेशन टाइम क्या है जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन एन क्या है टाइम दिया हुआ होगा कि इतने मिनट और इतने आवर्स में और एन होता है नंबर ऑफ जनरेशन कि उतने टाइम में उसने कितने डिविजन किए तो कितनी जनरेशन बनाए एक होता है बैक्टीरिया का नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक तो तब जब हमने एक ही सेल से स्टार्टिंग किए तो उसका तो फॉर्मूला होता है टू की पावर एन लेकिन एक की बजाय एक पॉपुलेशन से स्टार्ट किए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी इन टू टू की पावर एन इनिशियल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ कप के फिलिंग के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी और फॉर फिलिंग वन फोर्थ कप के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल टी माइनस टू टी अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब मैं आपको करा देती हूं तो वो चीज आप देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो ए बैक्टीरियल सेल अंडरगो फाइव जनरेशन कोई भी बैक्टीरियल सेल है वो कितनी जनरेशन कर रही है फाइव जनरेशन कर रही है दैट मीन्स नंबर ऑफ जनरेशन मैंने दे दी कितनी है फाइव ठीक है इन ट्वेंटी मिनट्स 20 मिनट्स में 20 मिनट्स क्या दे दिया मैंने टोटल टाइम दे दिया टाइम दे दिया कितना 20 मिनट्स पूछा क्या है जनरेशन टाइम तो जनरेशन टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा z इज इक्वल टू टी अपन एन टी क्या है 20 मिनट और n क्या है 5 तो क्या आ जाएगा जनरेशन टाइम उसका 4 मिनट कि वो बैक्टीरियल सेल जो है हर चार मिनट में डिवाइड करती है कितने मिनट्स में चार मिनट में तो एक से ध्यान रखना अगर वो चार मिनट में डिवाइड करती है तो ट्वेंटी मिनट्स में वो पांच बार फीजन कर चुकी होगी दैट मीन पांच जनरेशन प्रोड्यूस कर चुकी होगी सेकंड क्वेश्चन है ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड आफ्टर एवरी ट्वेंटी मिनट अब ट्वेंटी मिनट क्या दे दिया बेटा उसका जनरेशन टाइम दे दिया कि एक बैक्टीरियल सेल है वो हर ट्वेंटी मिनट में डिवाइड कर रही है

सिक्सटी तो दैट मीनस टू फोर्टी मिनट तो अब हम n निकालेंगे n निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे z इज इक्वल टू टी अपॉन एन तो n क्या हो जाएगा t अपॉन जी टी कितना है टू फोर्टी मिनट और जनरेशन टाइम कितना है बेटा ट्वेंटी मिनट तो आपका आ जाएगा ट्वेल्व तो so, इसका मतलब इतने टाइम में अगर उसका जनरेशन ट्वेंटी मिनट है तो चार घंटे में वो बैक्टीरिया बारह जनरेशन प्रोड्यूस कर चुका होगा कितने जनरेशन प्रोड्यूस कर चुका होगा ट्वेल्व जनरेशन प्रोड्यूस कर चुका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग देन आफ्टर सिक्स जनरेशन दैट मीनस नंबर ऑफ एन दे दिया कितना सिक्स जनरेशन ठीक है हाउ मेनी बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछ लिया और शुरुआत काल से हो रही है एक बैक्टीरियल सेल से शुरुआत कहां से हो रही है बेटा एक बैक्टीरियल सेल से एक बैक्टीरियल सेल से शुरुआत हो रही है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपसे पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा टू की पार एन और टू की पार एन कितना है टू की पार सिक्स टू की पार सिक्स मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू और इसको करोगे तो टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू और थर्टी टू इंटू टू कितना हो जाएगा बेटा सिक्सटी फोर तो एंड में आपके सिक्स जनरेशन्स के बाद कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे सिक्सटी फोर आप करके देख सकते हो एक जनरेशन के बाद एक से दो दो के बाद दो से चार तीन के बाद चार से आठ चार के बाद आठ से सोलह ऐसे करके जब आप सिक्स जनरेशन्स के बाद प्रोड्यूस करोगे तो कितने हो जाएंगे सिक्सटी फोर ठीक है तो एक ये आपका फॉर्मूला हो गया यहां पे एक चीज और देखना जैसे हमने कहा स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इन टू टू रेस्यूपार एन और एक जी का फॉर्मूला होता है टी अपॉन एन तो एन का एक और फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो जी का तो कैसे निकालेंगे इसकी लॉग वैल्यू ले लो तो क्या ले लेंगे लॉग बी इज इक्वल टू लॉग कैपिटल बी प्लस एन लॉग टू अब एन लॉग टू को हम इधर रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग कैपिटल बी इज इक्वल टू एन लॉग टू अब एन की वैल्यू यहां से निकाल लें तो कितना आ जाएगा एन इज इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग कैपिटल बी डिवाइड बाई लॉग टू तो इस एन की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूला में पुटअप कर दें तो जी क्या आ जाएगा बेटा आपका टी इन टू लॉग टू डिवाइड बाई लॉग बी माइनस लॉग कैपिटल बी कई बार क्या होता है इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन दे देते हैं और टाइम दे देते हैं और उससे आपका जनरेशन टाइम पूछ लेते हैं तो ये आपको ऐसे निकाल लें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो नीट एग्जाम्स में आया हुआ है नीट के पेपर में आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन इसको ध्यान से देखना कि ये क्या कह रहा है ए बैक्टीरियम डिवाइड एवरी थर्टी मिनट इसका मतलब एक बैक्टीरिया है वो हर 35 मिनट में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जनरेशन टाइम दे दिया कितना 35 मिनट इफ ए कल्चर कंटेनिंग टेरेस्यू फाइव सेल पर एम इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है टेरिसाइव सेल्स पर एमएल इज ग्रोन फॉर 175 मिनट अब ये टाइम दे दिया कितने टाइम के लिए ग्रो करती है 175 मिनट तो फाइनल पॉपुलेशन पूछ ली अब फाइनल पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है b 2 के पार n n क्या है नंबर ऑफ जनरेशन अब नंबर ऑफ जनरेशन तो हमें दिया ही नहीं तो कैसे निकाले नंबर ऑफ जनरेशन टोटल टाइम डिवाइड बाय जनरेशन टाइम क्यों क्योंकि z t n टी दे दिया 175 मिनट ठीक है तो एन निकालना है तो कैसे आ जाएगा एन इज इक्वल टू टी अपन सी तो 175 सेवन अपॉन थर्टी तो कितना आ गया बेटा फाइव आ गया तो यहां से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे बी इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है टेन एस यू पार फाइव और फाइनल एन कितना है टू की पार फाइव तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा थर्टी टू इन टेन एस यू पार फाइव क्योंकि टेन की पावर फाइव कितना होता है थर्टी टू होता है तो ये हो जाएगी आपकी इतनी सेल्स पर एम आ जाएंगी आफ्टर फाइव बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी मिनट एवरी मिनट मतलब इसका स्मॉल टी क्या दे दिया वन मिनट हर मिनट में डिवाइड कर रही है टाइम क्या है वन मिनट है ठीक तो है 60 तो सिक्सटी मिनट टोटल टाइम कितना है सिक्सटी मिनट तो हाफ कप कितने में फिल करेगी हाफ कप पूछ ले तो क्या लिख दोगे फिफ्टी नाइन और अगर वन फोर्थ कप आ जाता तो क्या लिखते सिक्सटी माइनस टू एन टू टी तो ये क्या आ जाएगा फिफ्टी एट मिनट ठीक है कैसे सोच के देखो फिफ्टी नाइन मिनट में कप जो है वो वन फोर्थ है तो अगली एक मिनट में ही सारी सेल डिवाइड करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी डबल हो जाएंगे तो कप कैसा हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो ये चीज आप ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा अगर वो फुल कप को कितने टाइम में फिल करती है सिक्सटी मिनट में तो उससे जस्ट एक मिनट पहले ही कप कितना होगा हाफ और उससे एक मिनट और पहले कप कितना होगा वन फोर्थ तो फिफ्टी मिनट फिफ्टी और फुल कप भरेगा बरेगा मिनट में तो ऐसे ही कुछ भी दे सकते हैं मैं कह दू कि मिनट में फिल कर कितने मिनट मिनट में 10 में फुल कप हो रहा है तो हाफ कितने में होगा अगर दो मिनट में डिवाइड हो तो दो मिनट में डिवाइड हो तो दो से माइनस करोगे तो एट मिनट में और वन फोर्थ कप पूछे तो फोर माइनस हो जाएगा दैट मीनस सिक्स मिनट में तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल निकाल सकते हो तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक